बेवक्त घर में चाय पत्ती चीनी या दूध मांगने आते हैं वो है पड़ोसी। जो घर में झगड़ा या कलेश चालू होते ही अपने कानों को एंटेना की तरह खड़े कर देते हैं और सारा झगड़ा लाइव सुनते हैं, वो है पड़ोसी। पर क्या पड़ोसी बस यही होते हैं? नहीं, जो घर में किसी भी किस्म की जरूरत या मुसीबत पड़ने पर डॉक्टर, रिश्तेदार और दोस्त से भी पहले आते हैं, वो है पड़ोसी। क्या बात। जो त्योहारों में त्योहार का आनंद दुगना कर देते हैं, वो है पड़ोसी। जिनके घर हम इत्मीनान से अपने घर की चाबी और बच्चा छोड़कर जा सकते हैं, वो है पड़ोसी। यानी किस्मत से मिली हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है हमारे पड़ोसी। यस। आज है सुपरस्टार मोहनलाल स्पेशल ऑन सुपरस्टार सिंगर 2। आज हमारे बीच है सभी भूचालों के पड़ोसी, नागिन डांस करते हुए। इनका स्वागत कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, कैप्टन साइली। आपकी टीम से कौन आ रहा है? मेरी टीम से मैं बुलाना चाहूंगी हम सबका शेफ, जिसने आज तक लता जी के और सब क्लासिक गाने गाए हैं, वैसा हमारा प्रत्युष आनंद। पर आज वो कुछ अलग स्टाइल का गाना गाने वाला है। क्या बात है। हाय प्रत्युष। हेलो सर। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ सर। यहाँ पे सुपरस्टार सिंगर की पूरी फैमिली आपसे कितना प्यार करती है पता है? जी सर। वैसे आपके पड़ोसी भी आपको बहुत प्यार करते हैं जी, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं जी। दिखाऊं मैं? दिखाइए। चलिए देखते हैं। भाभी प्रत्युष नहीं है तो अच्छा नहीं लगता ना कैंपस में, चलते फिरते बच्चों के साथ खेलना कूदना सब कुछ करता था। इधर से निकला, हेलो आंटी कैसे हो, आंटी आपको कुछ नई रेसिपी चाहिए क्या? मैं आपको बताता हूँ, आपकी किटी पार्टी के लिए मैं नई रेसिपी इन्वेंट करने वाला हूँ। प्रत्युष बहुत ही अच्छी सिंगिंग करता है और जब भी वह रियाज करता था हम लोग उसके घर के सामने बस थम जाते थे। और हमारी कॉलोनी में जब भी कुछ फंक्शन होता है या घर पर कुछ भी फंक्शन होता है तो वो अपनी अनोखी और अतरंगी डिशेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। प्रत्युष हमारे मोहल्ले का स्टार है। अरे वाह। प्रत्युष हम सबका एंटरटेनमेंट चैनल है। प्रत्युष हमें हर तरीके से एंटरटेनमेंट करता है, गाना गा के, डांस करके, बातें करके, और जो यूनिक डिशेस वो बनाता है उससे भी। प्रत्युष को तो हम बहुत मिस कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ उनके मम्मा को भी बहुत मिस कर रहे हैं हम। उनकी आंखों में एक तरह का सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो जहाँ जाती हैं वहाँ से गॉसिप लेके आती हैं। जब से प्रत्युष की मम्मी यहाँ आई है जी, हमारी गॉसिप बंद हो गई। जो हम लोग शाम के चाय पीते 4-5 बजे करते थे, आज इसके घर में क्या हुआ? मैम ये जो नया मोहल्ला है आपका सुपरस्टार सिंगर वाला, यहाँ की थोड़ी गॉसिप हमें दीजिए। मैं बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पे सारी मम्मियाँ हैं जी, ठीक है, दिखती तो सब बहुत सीधी सादी जी। अरुणा की मम्मी, अरुणा की मम्मी ये खाना बिल्कुल वेस्ट नहीं करती हैं, खाने में बिलीव करती हैं, जो खाती हूँ खाती है, बाकी बैग में डाल के ले, बैग में पूरा खाना पड़ा देखो। ये शायशा की मम्मी और ये विश्वजा की मम्मी, दोनों बिल्कुल हमारे बंगलों की दो तितलियां हैं, हमेशा उड़ते रहती हैं। दो तितलियां मंजराती रहती हैं यहाँ से वहाँ। कैसे? जब बच्चों को सॉन्ग मिलता है जी, तो बच्चे तो बेचारे बाद में प्रिपेयर, एक आध दिन रेस्ट लेते हैं ये लोग। जब सॉन्ग मिलने के बाद पहले से प्रिपरेशन, तो कल सूट के दिन क्या पहनना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कौन से झुमके पहनने हैं, और लिपस्टिक भी एक ही कलर का लगाना है लोगों को। इतनी फास्ट फ्रेंड है दोनों। माय गॉड, बीएफएफ्स। और बताइए, रोहन की मम्मी, रोहन की मम्मी देखने से तो बहुत सीरियस लगता है, बहुत सीधी शादी है, शराफत की इमारत लगती है, बिल्कुल सीधी शादी जी। लेकिन ये जब बंगलों में होती हैं, नीचे उतरती हैं, उसके बाद अपनी आंखों से सीटी स्कैन कर देती हैं सबका। मतलब आंखों से आपको पता चल जाएगा कि किसको गुस्सा करने वाली है, किससे मतलब अच्छे से बात करने वाली, ऐसा कुछ समझ नहीं आता, बहुत सीधी साई दिखती है। रोहन इतना बदमाश ऐसे ही थोड़ी है।
और नेक्स्ट है जी समायरा के पापा। समायरा के पापा दिखते तो बहुत सीरियस है, बहुत चुपदम बिल्कुल की कुछ नहीं, लेकिन बाप रे बाप वहाँ देखो इनका रंगत क्या होता है। क्या होता है? शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट्स पहन के और एकदम किशन कन्हैया बन के घूमते हैं वहाँ। अरे सबके बीच में बैठे रहते बिल्कुल किशन कन्हैया बन के, बिल्कुल कूल कूल। प्रत्युष गाना गा। जी जी। मला पिंग्याणी माला बोलवली रात घालवली पोरी पिंग
Oh my God! ये क्या परफॉर्मेंस था, मतलब आग लगा के रख दी इन लोगों ने. क्या गाई हैं आप दोनों. करंट लगा है बहुत जोर का हमको. अभी हम लोग शौक से निकले नहीं है बाहर. समायरा अंदर कितना टैलेंट दबा के बैठी हो. जब तुम आई थी तुमने वो आपकी नजरों ने समझा बड़े संभल संभल के डर डर के गाया था. और उसके बाद आज तुम मराठी गाना तुमने गाया, इतना अच्छा गाया कोई कह नहीं सकता. कि तुम मोहल्ले में जाके, मैंने कहा ना तुम उसी मोहल्ले की बन गई हो. मैं एक्चुअली आज आपको एक बात बोलना चाहूँगी. आज जो समायरा ने गाया आवाज़ लेके बारा, विश्वजा को बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इसके लिए. जैसे उसने समायरा को सिखाया. और सर आप यकीन नहीं मानोगे, समायरा ने ये गाना एक दिन में बिठाया है. God bless the two of you. तुमने दिल खुश कर दिया दोनों ने. Thank you so much. दुनिया हिला दें क्या? One, two, three. Yeah.
प्रांजल, तुम्हें पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है जब कोई लेजेंडरी सिंगर ने एक लेजेंडरी गाना, सलील दा का गाना, ऋषि दा का गाना, आनंद का गाना, जो हमने सालों साल सुना है, इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग, और वो गाना का इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकता है, ये सोचकर ये उम्र में तुम कैसे कर लेते हो, दंग रह जाता हूं मैं। तो हैट्स ऑफ टू यू प्रांजल, फैन हो गया हूं मैं तुम्हारा। वर्सिटैलिटी में भी ये परफॉर्मेंस के बाद तुमने साबित कर दिया है कि तुम किसी से कम नहीं हो, यू आर आउटस्टैंडिंग। प्रांजल जो है ऑटोमेटिक एक योडल है उसके गले में जो वो हर गाने में यूज करता है। एक सुर दीजिए दादा। कैसी है बहेली, ऐसा कुछ करते बाबा। वो कर रहा था कभी ये हंसाए पे, एक बार गाओ कभी हंसाए। कभी तो हंसाए, ये बात किसी के अंदर है, ये यूनिकनेस किसी के अंदर है, तो हमारे प्रभु प्रांजल के अंदर। वेल डन प्रांजल, वेल डन बबलू, दोनों के लिए तालियां।
हिस्टोरिक परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तुमने वो करके दिखा दिया है जो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा इस उम्र में, तुम ऐसे गा रहे थे जैसे कोई सुपर रॉक स्टार अपने फॉर्म में 50-60 हिट गाने देने के बाद गाता है। और लोगों को हम फिर से ये बता दें कि ये सुपरस्टार सिंगर का बच्चा है जो ये गा रहा है ये टोनल क्वालिटी में। और तुम्हारी वो लाइन, महफूज वाली लाइन, वो एक लाइन दोबारा गाओ, वो एक लाइन पे ही फ्लैट फ्लैट हो जाएंगे सब लोग। तू जहां जाए महफूज हो, तू जहां जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ। आउटस्टैंडिंग, क्या बात है। ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी 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 जोगी, ओए रमता जोगी, ओए रमता जोगी 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 जोगी। मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया, मैं प्रेम का प्याला पिया, एक पल में सदियां जिया, सारी मधुशाला पिया, एक पल में सदियां जिया,
आज मुझे ऐसा लगा कि दो शेर लड़ रहे हैं साथ में और दोनों ही जीत गए। मैं अपने उस्ताद को याद कर रहा था और जब जब मनी यहाँ पे आता है मैं मुझे मतलब वो कुछ याद आ जाता है, कान ऐसे पकड़ता है आदमी कि मतलब जो चीज़ सोच से परे होती है उसके लिए इंसान कान पकड़ता है। और आज सुपरस्टार सिंगर के जितने भी परफॉर्मेंसेस हुए हैं उन सब में ये परफॉर्मेंस एक यादगार परफॉर्मेंस है। और शोएब तुमने जो आज मतलब समा बांधा है, जो टक्कर दी है और तुम्हारी आवाज़ की जो बुलंदी है उसका कोई जोड़ ही नहीं है। थैंक यू सर। क्या बात है बेटा, क्या बात है यार। ऐसे परफॉर्मेंसेस रोज देखने को नहीं मिलते। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। हिला दी जाए चार, हिला दी जाए। Good high, good high.
तशन है रात तशन है अपनी तो हर बात तशन है ऐसे भी हालात तशन है ऐसे इंसान है कुछ कहने से पहले कि आप दोनों ने दुनिया हिला दी। अरुणा, आपको मैंने इस रूप में पहली बार देखा है। इस गाने का ऐसा परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा। सुपरस्टार सिंगर 2 से बेटर फिलहाल कोई शो ही नहीं है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।